हाय गाइस, वेरी गुड इवनिंग। आज हम इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं शॉर्ट स्ट्रैडल, शॉर्ट स्ट्रैंगल स्ट्रैटेजीज के बारे में। साथ ही साथ इसी वीडियो के अंदर मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे आप शॉर्ट स्ट्रैडल और शॉर्ट स्ट्रैंगल को ट्रेडिंग व्यू के अंदर रहकर ही चार्ट देख सकते हैं और एक बेटर एनालिसिस कर सकते हैं। बट वीडियो शुरू करने से पहले गाइज, अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ प्रेस कर दीजिए, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई भी वीडियो आपसे ऐसी मिस ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आपके सामने स्क्रीन पर निफ्टी 50 का 30 मिनट का टाइम फ्रेम ओपन है। जैसे कि आप जानते हैं कि ऑप्शन सेलिंग में अगर हम काम कर रहे हैं तो एक अच्छा बेनिफिट, एक अच्छी रिटर्न आप मार्केट में से निकाल सकते हैं शॉर्ट स्ट्रैडल या शॉर्ट स्ट्रैंगल क्रिएट करके। डिपेंड करता है मार्केट में आपका व्यू क्या है। शुरू करने से पहले हम सबसे पहले बात करेंगे कि आपके पास शॉर्ट स्ट्रैडल एक्चुअली में है क्या, ये कैसे बनता है, इसमें किस चीज़ों का आपको यूज़ करना है, और इसको आप ट्रेडिंग व्यू में कैसे यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो गाइस, सबसे पहले हम समझते हैं शॉर्ट स्ट्रैडल ऑप्शन सेलिंग में कैसे बनता है और ये है क्या चीज़। गाइस, दो स्ट्राइक्स को आप सेल करते हैं शॉर्ट स्ट्रैडल के अंदर। इस स्ट्रैटेजी में, ऑप्शन सेलिंग में, आप एक कॉल ऑप्शन और एक पुट ऑप्शन, सेम स्ट्राइक, सेम एक्सपायरी डेट को आप सेल करेंगे। मतलब मान लीजिए आपका व्यू है कि मार्केट एक रेंज में रहने वाली है, तो आप 24,509 पर, मान लीजिए निफ्टी है, तो आप 24,500 की कॉल ऑप्शन और 24,500 की पुट ऑप्शन दोनों को आप सेल कर देंगे। सेल करने के बाद जैसे जैसे मार्केट उस पर्टिकुलर रेंज में रहेगी, आपका प्रीमियम कम होता रहेगा और ऑप्शन सेलिंग में एक आप अच्छा पैसा कमा सकते हैं। इसको मैं एक इलस्ट्रेटिव एग्जाम्पल के साथ आपको बताने की कोशिश करता हूँ। स्क्रीन पर आप देख सकते हो, ये धन का चार्ट है। यहाँ पर ये ऑप्शन ट्रेडर जो धन का एक प्लेटफॉर्म है जिसमें डेडिकेटली फ्री ऑफ कॉस्ट आपको स्ट्रैटेजीज भी मिलती हैं। जैसे कि मैं मान के चलता हूँ कि मार्केट में मुझे एक शॉर्ट स्ट्रैंगल क्रिएट करना है नॉन डायरेक्शनल व्यू के लिए, तो मैंने यहाँ पर एक शॉर्ट स्ट्रैंगल या शॉर्ट स्ट्रैडल, जो भी मुझे यहाँ पर एक अपनी पोजिशन क्रिएट करनी है, मैं वो क्रिएट करूँगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं शॉर्ट स्ट्रैडल की। तो मान लीजिए मैंने यहाँ पर निफ्टी की 24,500 की कॉल और पुट ऑप्शन को देखना है, तो मैंने इसके ऊपर शॉर्ट स्ट्रैडल पे क्लिक किया, सी इन बिल्डर पे क्लिक किया, और यहाँ से मुझे ये इलस्ट्रेटिव पे ऑफ चार्ट नज़र आ गया जिसपे मुझे ये क्लियरली बता रहा है कि कल अगर मार्केट 24,000 नीचे का लेवल और ऊपर की लेवल 24,900 इस पर्टिकुलर रेंज में रहती है, तो मेरी जो ऑप्शन सेलिंग है वो प्रॉफिटेबल रहेगी, मुझे नुकसान नहीं होगा। लॉस मेरा तभी मार्केट में होना शुरू होगा जब मार्केट एक्सपायरी वाले दिन 24,090 के नीचे जाकर बंद हो या 24,930 लेवल्स के बाद में बंद हो। इसके बीच में कहीं पे भी मगर मार्केट रहती है तो मुझे प्रॉफिट ही होने वाला है। ये ग्रीन एरिया आपको प्रॉफिट सिग्निफाई कर रहा है, रेड एरिया आपका लॉस सिग्निफाई कर रहा है। इसमें एडजस्टमेंट भी की जा सकती है, पर वो हम किसी और वीडियो में समझेंगे जिस दिन हम पूरा एक एडजस्टमेंट का टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। अब इस पूरी शॉर्ट स्ट्रैडल पोजीशन को बनाने के लिए आपको एक लॉट के लिए जो मार्जिन चाहिए वो तकरीबन 85,735 चाहिए। अगर आप एक नेक्ड ऑप्शन को सेल करते हैं तो 71,600 का आपको मार्जिन लगता है। अगर आप दोनों को इकट्ठे सेल करते हैं तो आपको जो मार्जिन का बेनिफिट मिल रहा है वो 85,735 में आप एक शॉर्ट, एक सी और पी दोनों ही सेम स्ट्राइक की बेच सकते हैं, सेल कर सकते हैं। इस पे मैक्स प्रॉफिट आप देख सकते हो 10,000 तक का हो सकता है अगर मार्केट मान लीजिए एक्सपायरी के दिन इसी रेंज में रहता है, और मैक्स लॉस अनलिमिटेड होता है बिकॉज ये लॉस होना तब शुरू होता है जब मार्केट आपकी रेंज से बाहर निकलती है। लेकिन आपके पास अच्छी चीज़ ये होती है कि इतनी बड़ी रेंज है और मार्केट में जो आपका प्रोबेबिलिटी का फैक्टर है वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है।
ये हम यहाँ पर पी एंड एल टेबल में भी जाकर एक बार देख सकते हैं, और साथ ही साथ हम ये स्ट्रैटेजी चार्ट भी यहाँ पर देख सकते हैं। ये देखिए, अब सबसे पहले ये लाइन चार्ट आप देख सकते हो, जिसके अंदर आप देख सकते हो कि ये जो ऑरेंज कलर की लाइन है निफ्टी की आ रही है, और ये जो आप पर्पल कलर की लाइन देख रहे हो ये टोटल प्रीमियम की वैल्यू है। अब आप देख सकते हो जिसने भी 18 जून को 2:45 पीएम पर इस स्ट्रैटेजी को सेल किया होगा 548 रुपीस पर, आज इस स्ट्राडल की जो वैल्यू है वो इस टाइम पर तकरीबन 465 रुपीस है। मतलब उसको तकरीबन थर्सडे से लेकर अभी तक 130 पॉइंट का यहाँ पर डीके मिला है अराउंड दीज एरियाज, सॉरी माई मिस्टेक, तकरीबन 80 पॉइंट्स का यहाँ पर डीके मिला है इन लास्ट टू डेज अप्रॉक्सीमेटली। अब इसको ट्रेडिंग व्यू में हम कैसे देखें, अब हम वापस से ट्रेडिंग व्यू में यहाँ पर शिफ्ट हो जाते हैं, और इस शॉर्ट स्ट्रैडल के लिए हम निफ्टी की दोनों स्ट्राइक्स को यहाँ पर टाइप करेंगे। देखिए, हमें यहाँ पर लिखना है निफ्टी 24,500 येरा। जैसे आप लिखोगे आपको यहाँ पर निफ्टी कोड है 2407, मतलब डेट मंथ और उसके बाद ईयर मंथ और डेट 2024 ईयर 07 जुलाई और 25 की एक्सपायरी। सी मींस कॉल ऑप्शन, 500 मींस पुट ऑप्शन, ये कोड है। जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपके सामने यहाँ पर निफ्टी की 24,500 की कॉल ऑप्शन का यहाँ पर चार्ट खुल जाएगा। अब आपको क्या करना है, वापस इस पे सिंबल सर्च पे क्लिक करने के बाद स्पेस देना है और प्लस आइकन पे क्लिक करना है, और इसके बाद आप 24,500 दोबारा टाइप करेंगे और इस टाइम पर पुट के ऊपर क्लिक कर देंगे। अब आप यहाँ पर देख सकते हो निफ्टी 24,500 की कॉल ऑप्शन भी सिलेक्ट हो गई, और निफ्टी 2024 की 7th महीने की 25 डेट की पुट ऑप्शन भी सेम स्ट्राइक की सिलेक्ट हो गई। अब आपको प्रेस एंटर करना है, और यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर ये चार्ट आप क्लियरली देख सकते हो, ये खुल गया है। ये दोनों स्ट्राइक का यहाँ पर चार्ट हमारे पास यहाँ पे नज़र आ रहा है। अब आप यहाँ से समझिए, ध्यान से देखिए, अगर इसी स्ट्राइक को किसी ने 24th ऑफ जून को सेल किया होता तकरीबन 1,088 रुपीस के प्राइस पर, मतलब कि 24 जून के दिन अगर आपने इस ऑप्शन को, इन दोनों ऑप्शंस की पोजीशन को सेल किया होता तकरीबन 1,089 रुपीस के आसपास, एज ऑफ नाउ एक महीने में आपको तकरीबन 669 पॉइंट्स डीके या आपके ऑप्शन सेलिंग में मिल गए होते हैं अगर आप मंथली एक्सपायरी में ट्रेड करते हैं तो, पर लॉट। अब आप देख सकते हो अगर आप इतना एक मंथ का दूर का सेलिंग कर रहे हैं, 669 पॉइंट्स का भी इसमें डीके है। आने वाले दिनों में अभी भी दो दिन पड़े हैं एक्सपायरी के लिए, 25th को एक्सपायरी है, दो दिन पड़े क्योंकि आज का दिन निकल चुका है, 23rd, 24th और 25th तीसरे दिन आपकी एक्सपायरी है, और भी इसके अंदर काफ़ी डीके होने के चांसेस बन रहे हैं। तो मतलब सिर्फ ये है कि अगर आप एक महीना यहाँ पर उस पर्टिकुलर एक्सपायरी में वेट कर सकते हो तो आपको 600-700 पॉइंट्स पर लॉट भी मार्केट आपको देके जा सकती है। अब आप कैलकुलेट अगर करके देखेंगे कि अगर 700 पॉइंट्स एक लॉट के ऊपर आपको मिल रहे हैं एट एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 85-90,000, तो कितने परसेंट आपकी रिटर्न यहाँ पे बनती है। तो मैं एक आपको छोटा सा एग्जांपल भी यहाँ पर देके बताऊँगा, लेकिन चार्ट यहाँ पर आपको देखना है। अब पॉइंट ये है कि इस शॉर्ट स्ट्रैडल को ट्रेड करें कैसे, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको 1 आवर के चार्ट पर जाना है अगर आप पोजिशनल ट्रेडर हैं तो, ठीक है। अब आप यहाँ पर देख सकते हो कि कैसे इस पर्टिकुलर स्ट्रैडल की ऑप्शन कहाँ से गिरनी शुरू हुई और कितना ज़बरदस्त इसके अंदर डीके देखने को हमें मिला। तो आप अगर पोजिशनल ट्रेडर हैं और शॉर्ट स्ट्रैडल क्रिएट करना चाहते हैं तो सबसे पहले यहाँ पे टाइप कीजिए इंडिकेटर्स में VWMA, दैट इज़ कॉल्ड वॉल्यूम वेटेड मूविंग एवरेज। इसको प्लॉट करने के बाद आपको जाना है डबल क्लिक कर इनपुट्स में, और यहाँ पर इसको 50 पे क्लिक कर देना है लाइक दिस। और इसके बाद इसका मैं थोड़ा कलर विजिबिलिटी बेटर कर देता हूँ।
अब आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो, जब तक जिस भी लाइन पर मार्केट ने इस पर्टिकुलर 50 VWMA को ब्रेक किया और जब तक ये दोबारा उस पर्टिकुलर लाइन को नहीं टच करती, तब तक आप अपनी पोजीशन पे आराम से बैठे रह सकते हैं। मान लो आपने अपनी पोजीशन को यहाँ से सेल करना शुरू किया था, जिस दिन भी आपके पास मार्केट ने आपकी ये लाइन ब्रेक की, इसी के ऊपर का आपका पर्टिकुलर स्टॉप लॉस है स्विंग का, और जब तक आप अपने लाइन को ये दोबारा ब्रेक करके क्लोजिंग ना दे, तब तक आप अपनी पोजीशन ट्रेल कर सकते हैं। जैसे कि इस केस में आपका ट्रेलिंग एसएल यहाँ पे हिट हुआ, जो कि आपको तकरीबन 400 पॉइंट्स देखे गया विद इन कपल ऑफ वीक्स, ये पोजिशनल ट्रेडर के लिए। अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हैं और स्ट्रैडल पे ट्रेड करना चाहते हैं तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर आ जाइए, चार्ट को रीसेट कर लीजिए ताकि एक बार क्लोज व्यू हमें मिल जाए। अब जिस भी कैंडल के अंदर, जिस भी कैंडल पे आपको मार्केट ने 50 WMA को ब्रेक किया है, उसी कैंडल की क्लोजिंग के ऊपर आपका ट्रिगर पॉइंट बना। मतलब अगर आप आज की यहाँ पर कैंडल देखेंगे तो ये सुबह 495 रुपीज़ का पर्टिकुलर यहाँ पे प्राइस था, माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे मंडे को इस यहाँ पे प्राइस था, इसी के ऊपर का आपका पर्टिकुलर स्टॉप लॉस यहाँ पे जाना था। और इसके बाद आप अपनी पोजीशन को तब तक ट्रेल करके रखते हैं जब तक मार्केट में आपके पास यहाँ पर इस पोजीशन का दी एंड यहाँ पे ना मिलता, मतलब कि जब तक मार्केट इसके ऊपर आपको कैंडल क्लोजिंग नहीं देती। तो आप इंट्राडे में आप देख सकते हो मार्केट ने आपको तकरीबन आज 64-65 पॉइंट तक यहाँ पर हमें दिए हैं। स्टॉप लॉस ऑब्वियसली आपके डे हाई का रहेगा या जिस भी कैंडल ने 50 VWMA को ब्रेक किया है उसके ऊपर, और ये आपको करना 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर ही है। अब जैसे आप जानते हैं कल बजट है, इसलिए मार्केट के अंदर डीके थोड़ा स्लो चल रहा है, वॉलीटिलिटी मार्केट के अंदर बनी हुई है, विक्स हाई है, इस वजह से इसमें इतना डीके नहीं देखने को मिला। लेकिन नॉर्मल डेज के अंदर जब आप इस स्ट्रैटेजी को यूज़ करेंगे तो डेफिनेटली आपको डीके भी देखने को यहाँ पे मिल सकता है। ये थी आपके पास शॉर्ट स्ट्रैडल की यहाँ पर स्ट्रैटेजी। अब हम बात करते हैं शॉर्ट स्ट्रैंगल की, मतलब कि जिसके अंदर आपको थोड़ी सी रेंज में चेंजेस लेके आने। अब हम सबसे पहले बात करने वाले हैं शॉर्ट स्ट्रैडल के बाद शॉर्ट स्ट्रैंगल के बारे में। अब शॉर्ट स्ट्रैंगल का मतलब होता है कि आप एक कॉल की हायर स्ट्राइक प्राइस को सेल कर रहे हैं और एक पुट की लोअर स्ट्राइक को आप सेल करने वाले हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम थोड़ा सा एक बार डिस्कस करेंगे अब शॉर्ट स्ट्रैंगल के बारे में। बहुत सिंपल है, वापस से इलस्ट्रेटिव एग्जांपल देखने के लिए हम यहाँ पर धन के ऑप्शन ट्रेडर ऐप में चलेंगे, प्री बिल्ट साइड में जाएंगे। यहाँ पर मैंने एक नॉन डायरेक्शनल व्यू पे दोबारा क्लिक किया और मैं अब यहाँ पे शॉर्ट स्ट्रैंगल क्रिएट करना चाहता हूँ तकरीबन अपने 50-50 पॉइंट का, मतलब एट द मनी से 50 पॉइंट्स दूर की कॉल और 50 मिनट्स लेस की पुट ऑप्शन। और इसको मैंने यहाँ पर क्लिक किया, सी इन बिल्टर पे क्लिक किया और यहाँ पर आप देख सकते हो, जैसे कि आप देख सकते हैं निफ्टी 50 24,509 पर स्पॉट पे है, 24,550 की मैंने यहाँ पर स्ट्राइक को सेल किया है और 24,450 की पुट ऑप्शन को मैंने सेल कर दिया है। तो अब ये मेरे पास यहाँ पर एक शॉर्ट स्ट्रैंगल बन गया है। अब अगेन बिल्कुल वैसा ही है जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले स्ट्रैडल का एग्जाम्पल लिया था, मार्जिन भी तकरीबन आप यहाँ पर देख सकते हो उतना ही है, डिफरेंस सिर्फ इतना है यहाँ पर रेंज जो बन गई है मार्केट की, तब आपको लॉस देगी अगर मार्केट में 24,090 के लेवल के नीचे मार्केट जाती है या 24,910 के बीच में जाती है। फ़ायदा सिर्फ इतना है यहाँ पर मार्केट के अंदर ये जो रेंज है, मतलब अगर जो प्रॉफिटेबल रेंज है वो आपकी थोड़ी सी, मतलब मैक्स प्रॉफिट की रेंज है थोड़ी सी बढ़ गई है एज़ कंपेरेटिवली टू अर्लियर। मतलब अगर आपको लगता है कि निफ्टी एक्सपायरी वाले दिन 24,450 से लेकर 24,550 के बीच में रहती है तो आपका मैक्स जो पर्टिकुलर प्रॉफिट है वो फिक्स है 9,298 एज ऑफ नाउ, जो आप यहाँ पर डेटा देख सकते हैं। ये फ्लक्चुएट कर सकता है ऑप्शन ग्रीक्स के थोड़ा ऊपर नीचे चेंज होने से। अब सेम चीज़ को हम ट्रेडिंग व्यू में यहाँ पर जाकर एक बार ड्रॉ करते हैं और इसी स्ट्रैटेजी को भी वहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं। सेम चीज़ है, सिर्फ ये है आपको यहाँ पर रेंजेस को चेंज कर देना है
24,550 की कॉल ऑप्शन, मतलब एट द मनी में 50 पॉइंट ऊपर की स्ट्राइक हम सी के लिए लेंगे ऐसे, और साथ में दोबारा क्लिक करने के बाद प्लस करेंगे और 50 पॉइंट एट द मनी से पीछे जाएंगे पुट के लिए, 24,450 पुट यहाँ पे निफ्टी के लिए। गिरा और सेम आपका वीक का स्ट्राइक होना चाहिए, यहाँ पर आप देख सकते हो 24,450 की पुट ऑप्शन मैं यहाँ पे सेलेक्ट करने वाला हूँ। फॉर सम रीज़न ये रहा, ये आप देख सकते हो, ये दोनों ही स्ट्राइक्स को मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया है और इसके बाद मैं एंटर यहाँ पे प्रेस कर रहा हूँ। जैसे ही मैंने इसको यहाँ पर क्लिक किया कुछ एरर आई है, एक बार दोबारा से देखते हैं क्या प्रॉब्लम आई है। 25 जुलाई का कॉल ऑप्शन है 240725C4550 एंड ये एक बार दोबारा ट्राई करते हैं, आई थिंक कुछ गड़बड़ की है मैंने। 24,550 550 का कॉल ऑप्शन हमने यहाँ पे पकड़ा, दैट इज़ एब्सोल्युटली करेक्ट। इसी को कॉपी कर लेते हैं, प्लस का साइन यहाँ यूज़ करते हैं और यहाँ पर सी की जगह हम करते हैं पी, पी स्टैंड फॉर पुट एंड 450 की जगह 450। ओके डन। सो आप यहाँ पर देख सकते हो 24,550 का कॉल ऑप्शन और 24,450 का पुट ऑप्शन। सेम स्ट्रैटेजी इंट्राडे के लिए भी, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर जब भी कैंडल आपको यहाँ पर क्लोज मिले 50 VWMA के नीचे, आपने वहाँ पर अपना शॉर्ट पोजीशन क्रिएट कर दिया मार्केट का उसको राइट करने के लिए। उसी कैंडल के हाई के ऊपर आपने यहाँ पर एक स्टॉप लॉस रखा और जब तक उसने आपका 24,450 और 24,550 की दोनों स्ट्राइक्स में जब तक वो VWMA 50 के ऊपर कैंडल क्लोज नहीं करती, तब तक आप अपनी पोजीशन को डे एंड तक ट्रेल कर रहे हैं अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हैं तो। और अगर आप पोजिशनल ट्रेडर हैं तो सेम चीज़, 1 आवर के टाइम फ्रेम पर जिस दिन भी मार्केट आपके कैंडल के ऊपर ब्रेक करे, मतलब नीचे ब्रेक करे, तो आप वहाँ से उसको सेल कर रहे हैं। जैसे कि इस केस में आप देख सकते हो अराउंड 25 जून को मार्केट ने हमें यहाँ पर ब्रेक किया था, यहाँ पर 845 के आसपास। और इसके बाद अगर हम यहाँ पर चलते हैं, वील गो बैक हेयर, यहाँ से लेकर इस पर्टिकुलर एरिया तक आप देख सकते हो मार्केट में आपको जो प्रॉफिट मिल रहा है वो तकरीबन 490 पॉइंट्स का मिल रहा है पर लॉट। बट ऑब्वियसली इसमें पेशेंस है, मार्केट में आपको पूरा टाइम लगा होल्ड करने के लिए और डेफिनेटली जो चीज़ें हैं वो आपकी फेवर में आई। ऐसे ही अगर आप दोबारा एंट्री यहाँ पर लेने की कोशिश करते तो, और हाँ माफ़ कीजिएगा, पिछले एग्जाम्पल में जो आपका स्टॉप लॉस है वो ट्रेलिंग SL है वो यहाँ पे ट्रिगर हो गया होता, जिस दिन भी आपकी कैंडल इसके ऊपर क्लोजिंग आपको मिली है 10 जुलाई के दिन, मतलब 15 दिन में आपको तकरीबन 300 पॉइंट्स मार्केट एक लॉट के पीछे यहाँ पर देखी गई है। अब वो डिपेंड करता है आपका कितना रिस्क एपेटाइट मार्केट में है। सो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर आई है तो लाइक का बटन प्रेस करिएगा। आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, थैंक यू एंड बाय।